कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आज से अमेठी दौरा, दो दिन तक कार्यकर्ताओं और लोगों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों को कुंभ के दर्शन कराने के लिए बसों का किया इंतजाम, दो बसों से 20,000 लोगों को दर्शन कराने का लक्ष्य। राम मंदिर को लेकर देश का सबसे बड़ा और ताजा सर्वे, 69% लोग चाहते हैं अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर। फिरोजाबाद में एसपी विधायक हरिओम यादव ने रामगोपाल के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा स्कूटर वाले कैसे 2 करोड़ की गाड़ी में घूमने लगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बिना इजाजत कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, कॉलेज प्रशासन पर विवाद भड़काने का आरोप। दारुल उलूम देवबंद ने गणतंत्र दिवस पर छात्रों के निकलने पर लगाई रोक, सर्कुलर जारी कर हॉस्टल में ही रहने को कहा। वाराणसी में हेमा मालिनी के परफॉर्मेंस की तारीफ में सुषमा ने आज तक के शो का किया जिक्र, कहा अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। नेताजी की 122वीं जयंती पर पीएम मोदी देंगे देश को तोहफा, दिल्ली के लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। पश्चिमी यूपी में भी बारिश के साथ गिरे ओले, मेरठ में ठंड की वजह से स्कूल बंद करने का फैसला। कानपुर में 7 दिनों तक चलेगी आरएसएस की बैठक, प्रचारकों के साथ यूपी की सियासी नब्ज को टटोलेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत।